नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR मिजोरम में 6527 करोड़ रुपए की लागत से 51.38 किलोमीटर लंबी बैरबी सैरंग नई रेलवे लाइन परियोजना का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना में 87 छोटे और 55 बड़े पुलों के साथ 11 रोड ओवर ब्रिज होंगे। 12.6 किलोमीटर रूट पर 4 रेलवे स्टेशन और टनलिंग का काम चल रहा है। ये रेलवे लाइन आइजोल से करीब 20 किलोमीटर दूर सैरंग में खत्म होगी। परियोजना पर काम मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ये परियोजना मिजोरम और देश के पूरे पूर्वोत्तर हिस्से में आर्थिक विकास लाने में अच्छी भूमिका निभाएगी। NFR के महाप्रबंधक ने इस नई रेलवे लाइन परियोजना का निरीक्षण किया और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री को किसान रेल योजना की सेवाओं से अवगत कराया, जिसके माध्यम से कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश भर में ले जाया जाता है। महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया है कि NFR रेलवे राज्य सरकार की मांग के अनुसार और जब भी आवश्यकता होगी रोरो सेवा चलाने के लिए तैयार है। NFR रेलवे ने भांगा से बैरबी स्टेशन के बीच चलने वाले रोरो रेक के आयामों की जांच की है और POL, LPG जैसी वस्तुओं को मिजोरम तक ले जाने के लिए सक्षम पाया गया है। ये सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास लाने में मदद करेगी। NFR के महाप्रबंधक ने ब्रिज नंबर 89, 115 और 196 का भी निरीक्षण किया, जो बैरबी सैरंग न्यू रेलवे के तहत भारतीय रेलवे द्वारा बनाए जा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक हैं। ये रेल लाइन परियोजना घने और बहुत कठिन इलाके से होकर गुजरती है। ब्रिज नंबर 196 का सबसे ऊंचा घाट 101 मीटर का है और आइजोल के पास सैरंग स्टेशन को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।